ये डेलिया है, ये मैंने अक्टूबर और नवंबर में लगाया था। ये इसकी कटिंग लगती है, इसके छोटे छोटे यहाँ से कटिंग करते हैं। जैसे अब यहाँ से जैसे मान लो कि यहाँ पर छोटी सी टहनी निकली, उस टहनी को तोड़ के मैंने अक्टूबर में लगाया था। और अब ये अक्टूबर में लगाने के बाद ये इतना तैयार हो गया है, अब फूल भी दे दिए। देखो कितने बहुत प्यारा प्यारा फूल आ रहा है, यहाँ कलियाँ निकली हैं, दूसरा भी है, इसके साथ भी बहुत अच्छे निकलेंगे, इसमें भी बड़े। ये देखो पिटोनिया है, पिटोनिया को भी मैंने लगाया था नर्सरी से, 5 रुपये में ख़रीदा था ये, और अब ये तैयार हो गया है। इसकी भी ये क्या है, बंचिंग अपने आप आती रहती है इसमें, आप अक्टूबर नवंबर में इसे लगा दो तो ये पूरे गमले को कवर कर लेता है। ये देखो कैसे कितने प्यारे प्यारे हैं फ्लावर। ये है बुलडॉग, ये बुलडॉग भी बहुत प्यारे होते हैं। ये मैंने इसे भी मैंने अभी दिसंबर में लगाया था, और देखो कितने येलो कलर के फ्लावर हैं, बहुत ही प्यारे फ्लावर हैं ये। ये भी पूरे गमले को पूरे कवर कर लेता है ये एक बार लगाने के बाद। ये देखो अलग अलग वैरायटी, ये भी बुलडॉग है, इसको तो दूसरा नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इसे बुलडॉग कहता हूँ। ये देखो कितने प्यारे हैं ये भी, ये देखो बुलडॉग, इसमें दो कलर के हैं, दो कलर के वायर लगा रखे हैं मैंने, बहुत ही प्यारे फ्लावर हैं। देखो बहुत, आप इसे नर्सरी से आराम से 5-5 रुपये में, 10 रुपये में ख़रीद सकते हो आराम से, और इसे लगा सकते हो आराम से, ये बहुत फैल जाएगा पूरा। ये देखो पिटोनिया, बहुत ही प्यारा खड़ा है, इसमें हल्की हल्की स्मेल भी आती है, बहुत परफ्यूम सी जैसी, बहुत अच्छी आती है। ये देखो, ये देखो, ये है जरबेरा, बहुत महंगा फ्लावर है ये, मैं नर्सरी से ख़रीद के लाया था, ये मैं नर्सरी से, ये मैं 200 का ख़रीद के लाया था, लेकिन अब देखो मैंने इसमें से, मैंने इसको अक्टूबर में मैंने क्या किया था, इसकी कई सारी इसमें से टहनियाँ निकली हुई थी, बल्ब्स निकली हुई थी, मैंने बल्ब्स को निकाल के नीचे अंदर कई सारी बल्ब्स निकली थी, फिर मैंने पूरे गमले समेत उखाड़ के इसमें से बहुत सारे अलग अलग कर दिए, सेपरेट कर दिए, फिर अलग अलग गमलों में लगा दिए मैंने। अब एक से मैंने, एक ही पौधे से कम इसमें 4 तरह के पौधे बना दिए, और चारों में फ्लावर्स आए हुए हैं, 2 ऊपर रखे हुए मैंने, कहीं और रखे हुए हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये देखो एक है, इसमें भी फ्लावर्स आए थे लेकिन इसमें से निकल गए। ये देखो इसमें पहले फ्लावर थे, इसमें बहुत प्यारे फ्लावर थे, इसमें येलो कलर के थे, ये भी जरबेरा का है, ये एक पूरा साल चलता है फ्लावर, ये सूखता नहीं है, अगर इसे आप सेव करके रखो, पानी से बचा के रखो, ये कभी भी नहीं सूखता। ये भी पिटोनिया देखो, पूरा भरा हुआ फ्लावर से, इसमें लीव्स नहीं दिखाई देंगी आपको, इतना प्यारा, बिल्कुल जस्ट लाइक ए, जैसे कि एक फुटबॉल टाइप का बन जाता है, बिल्कुल इतना प्यारा, बहुत ही प्यारा फ्लावर है।